आज है ज्येष्ठ अमावस्या, शनि जयंती आज मनाई जा रही है और आज ही वट सावित्री व्रत का पर्व भी मनाया जा रहा है। शनि जयंती को शनिदेव का जन्मदिन मनाया जाता है और सूर्य के पुत्र शनिदेव देवों के न्यायाधीश माने जाते हैं। कर्म फलदाता और दंडाधिकारी भी इनको कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिसके ऊपर शनिदेव की कुपित दृष्टि हो वो व्यक्ति राजा से रंक बन जाता है और अगर आप पर शनिदेव की कृपा बरस जाए तो फिर इससे शुभ और कुछ हो नहीं सकता। शनि मंदिरों में आज विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेखा और खास बात यह है कि आज कृतिका नक्षत्र के साथ ही शोभन योग भी बन रहा है और साथ ही गजकेसरी योग भी भक्तों के लिए आज वरदान बनकर आया है। साथ ही साथ आज वट सावित्री व्रत भी किया जा रहा है महिलाओं द्वारा, तो ऐसे में महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत कर रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि वट सावित्री पर जो विवाहिता महिलाएं हैं वो किस तरीके से पूजा पाठ कर रही हैं इस मौके पर, ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। वट सावित्री व्रत आज मनाया जा रहा है, इसके अलावा शनि जयंती भी आज मनाई जा रही है। ऐसे में मंदिरों में भक्तों की कतार साफ तौर पर देखी जा सकती है। जलाइए शनि के नाम का दीपक, खुशियों से कीजिए जीवन को जगमग, न रहेगा अब साढ़े साथी का खतरा, शनि के उपाय करेंगे जीवन आसान। आज शनि जयंती का पावन दिन है। आज के ही दिन भगवान शनि का प्राकट्य माना जाता है। इस खास मौके पर सुबह से ही शनि मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। लोग शनि देव की पूजा आराधना कर रहे हैं। शनि के बारे में कहा जाता है कि उन्हें प्रसन्न करना आसान नहीं होता, लेकिन इस बार शनि जयंती पर ऐसे कई संयोग बने हैं जो बेहद शुभ हैं। ऐसे में आज शनि देव की विधि विधान से पूजा कर उन्हें खुश करने और उनकी कृपा पाने का शानदार मौका है। शनि जयंती शनि देव का अपना दिन है। इस दिन शनि देव बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। जीवन में तमाम प्रकार की जो भी कठिनाइयां मानव जीवन में चल रही हैं उसको दूर करने के लिए शनि देव आते हैं और शनि जयंती के दिन कोई भी भक्त सच्चे मन से शनि चालीसा का पाठ करता है, काले कपड़े का दान करता है, सरसों के तेल का दान करता है, लड्डू का दान करता है और लोह पदार्थ यानी लोहे का सामान शनिदेव को बहुत ही प्रिय है, यदि शनिदेव को लोहे का सामान अर्पित करता है उनके चरणों में, उनके स्तुति करता है, उनका गान करता है तो शनिदेव उसके समस्त प्रकार के कष्ट जैसे शनि के सरसाती, शनि की ठैया, शनि का गोचर में भ्रमण और किसी प्रकार के कोई भी अशुभ प्रभाव, यदि शनि को जैसे आदमी परेशान है, रुकावटों से भरा जीवन जी रहा है, उसके समस्याओं को हल कर देते हैं शनिदेव। आज शनि जयंती पर वट सावित्री पर्व और कृतिका नक्षत्र का भी योग है, साथ ही शोभन योग भी बना है जो विशेष फलदायी है। आज वट सावित्री पर्व और कृतिका नक्षत्र है, आज शोभन योग भी बना है। आज शनि जयंती के दिन चंद्रमा गुरु के साथ मेष राशि में विराजमान हो रहे हैं जिससे गज केसरी योग बन रहा है। यही नहीं, शनि कुंभ राशि में विराजमान होकर शश योग का निर्माण भी कर रहे हैं। मान्यता है कि आज भगवान शनि के निमित्त की गई पूजा उपासना आपको न केवल शनि के दोषों से राहत देती है बल्कि आपको साढ़े साथी और ढैया के प्रकोपों से भी रक्षा कवच प्रदान करती है। शनि जयंती पर दान का भी काफी महत्व है। आज उड़द दाल, काले कंबल और कपड़े का दान कर सकते हैं। इससे शनि की साढ़े साथी, ढैया और महादशा के अशुभ प्रभाव में कमी आती है, साथ ही पराक्रम, वैभव, सफलता, सुख शांति और धन धान्य की वृद्धि होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज शनि जयंती और बहुत अहम, बहुत विशेष दिन यह कहा जा रहा है क्योंकि 30 साल बाद इस तरह का महासंयोग बना। आज वट सावित्री व्रत भी है और आज के दिन ग्रह नक्षत्रों की चाल क्या है, किस तरीके से शुभ फल आप ले सकते हैं, ये तमाम बातें आज हम आपको बताएंगे। शनि जयंती मतलब शनि का जन्मदिन, तो ऐसे में अगर साढ़े सती आप पर चल रही है, ढैया आप पर चल रही है, कहीं शनि पीड़ित है तो आपको क्या करना है, किस तरीके का दान आपको करना है, कैसे उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम चीजें हैं जिन पर आज हम अपनी
इस विशेष कवरेज में चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ होंगे, देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य, परिचय करा देती हूँ। वान्यारा जी हमारे साथ हैं और जेपी जी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ मेरी सहयोगी रेखा हमारे साथ लगातार जुड़ी है। मंदिरों में भी भक्तों की भीड़ उमड़ रही क्योंकि हर कोई अपने आराध्य का आशीर्वाद पाना चाहता है। आज तो एक तरफ वट सावित्री व्रत और वहीं दूसरी तरफ आज है शनि जयंती। जेपी जी अगर मैं आपसे पूछूं तो ये महासंयोग क्या संकेत देता है? सर्वप्रथम सादर प्रणाम। देखिए यहाँ महासंकेत की आप बात कर रहे हैं, यहाँ सबसे शुभ संकेत ये है कि कुंभ राशि में शनि बैठे। अब कुंभ राशि उनकी स्व राशि है और जब शनि कुंभ राशि में विराजमान है तो एक चीज समझ लीजिए कि वह प्रसन्न है और शनि से भयभीत वही होते हैं जिन्होंने कोई किसी तरह की गलती करी है, किसी तरह का कुकर्म किया है, अन्यथा सबके लिए शुभदायी है। अब संयोग की बात कर लेते हैं, जैसे गजकेसरी योग, सर्वार सिद्धि योग, ये शक योग, ये सारे योग जो इस समय बन रहे हैं ये अति शुभ हैं। ये देश के लिए, समाज के लिए हर तरीके से समृद्धि लाने वाले हैं। साथ ही अगर आप ये देखें, शनि से जुड़े कार्य करने वाले व्यक्ति या समाज से जुड़े हुए व्यक्ति, उनके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है। यहां तक कि मैं कहूंगा कि मीडियाकर्मी भी वह शनि से जुड़े हुए हैं क्योंकि वह समाज से जुड़ते हैं, तो वह सबसे ज्यादा लाभकारी उनके लिए है। और यहां पर खास तौर पर ध्यान दीजिएगा, शनि सिर्फ उन्हीं को प्रताड़ित करते हैं जो किसी तरह की गलती करते हैं। क्योंकि देखिए, खास तौर पे अगर आप देखें, एक ट्रैफिक वाले से कौन डरता है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं है या गलती कर रहा है? अन्यथा कोई व्यक्ति क्यों डरेगा, वह अपना सीधा सीधा चलेगा, उसे कोई मतलब नहीं है कौन कहां खड़ा है। पर भयभीत वही होता है जो गलती कर रहा होता है। तो इसलिए अगर आपने कोई गलती नहीं करी तो शनि से किसी तरह से भयभीत होने की आपको कोई आवश्यकता जी बिल्कुल नहीं। जैसा कि जेपी जी कहा जाता है कि कर्म फलदाता है, जैसा कि आप कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको शनिदेव यहां पर देंगे। तो ऐसा शनि जयंती पर आपको क्या करना चाहिए कि जो शनिदेव की कृपा है वो आप पर बरसती रहे? वान्या जी आपसे थोड़ा जानना चाहूंगी क्योंकि शनिदेव की पूजा को लेकर भी कहा जाता है कि खास तरीके से यहां पर पूजा अर्चना की जाती है, सामने कभी नहीं बैठना चाहिए, शनिदेव की दृष्टि यहां पर बुरी पड़ जाती है। तो किस तरीके से आज शनि जयंती के मौके पर पूजा पाठ यहां पर शनिदेव का हमें करना चाहिए? थैंक यू रेखा जी, आप सभी को शनिदेव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज वट सावित्री व्रत भी है तो बहुत ही खास दिन है, बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। जैसे कि शनि जो है हमारे जीवन में एक जज का काम करते हैं, एक डिवाइन जज है। शनि जो है सारे हमारी लाइफ में हमारे कर्मास पे वर्क करते हैं। अगर हमारे कर्मास अच्छे हैं तो हमें शनि से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बेसिकली जितने भी आप देखते हैं लॉयर्स होते हैं, हाई जुडिशरी के जो लोग होते हैं, सब लोग शनिदेव के अंडर आते हैं। तो अगर आप सबसे पहले आप अपने कर्मास पर फोकस कीजिए, अगर आपके चार्ट में शनिदेव किसी अच्छी जगह प्लेस नहीं है या फिर आप शनि की साढ़े साथी से गुजर रहे हैं या गोचर में ट्रांजिट में कहीं भी जो है शनिदेव का ऐसा कुछ भ्रमण, तो ये सब चीजें अगर आज आप करते हैं, कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगी, तो आपको लाइफ में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। शनिदेव की जो भी नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। आप सबसे पहले आज शनिदेव मंदिर जरूर जाइए। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है आप इवनिंग में जाइए, लेकिन आज आपको शनिदेव मंदिर जरूर जाना है। वहां पर आप जो है पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश सभी का वास हमारे पीपल देव में होता है, गुरु बृहस्पति का वास हमारे पीपल देव में होता है। तो वहां पर जो है आप सरसों के तेल का दिया जलाएं, शनिदेव के आगे आप सरसों के तेल का दिया जलाएं, एक जटा वाला नारियल जो है आप ले लें, उसके साथ जो है आप खील बतासे रख सकते हैं, उसमें साथ में कुछ खील भी रख सकते हैं क्योंकि शनिदेव को लोहे का दान किया जाता है। उसको आप एक काले कपड़े में बांध लें, शनिदेव मंदिर जाएं, वहां पर 7 बार जाप शनि चालीसा करें, उसके बाद आप उसे पानी में बहा दें। आज के दिन आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। बिल्कुल वाना जी, मैं लौटती हूँ आपके पास क्योंकि हमारी दो सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दिल्ली से हमारे साथ गुंजन जुड़ चुकी हैं और साथ ही साथ शिल्पी सेन लखनऊ से हमारे साथ हैं। मैं गुंजन आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगी, क्या हलचल है इस वक्त मंदिरों में? देखिए दो शुभ संयोग, आज शनि जयंती और साथ ही साथ वट सावित्री व्रत भी है आज, तो आज के दिन कैसे पूजा अर्चना हो रही है मंदिरों में, दिखाइए जरा तस्वीरें हमें। गुंजन चलिए शिल्पी नवजोत, आपका सवाल मुझसे है, आ रही है आपकी आवाज। गुंजन मेरा सवाल आप ही से है। हाँ
ठीक है नवजोत, यहाँ पर मंदिर में श्रद्धालु आ रहे हैं, शनिदेव के दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, लेकिन जो भव्य और महाभव्य आरती यहाँ पर होनी है वो रात को 8 बजे होगी, तो उसके लिए तैयारियां यहाँ पर में लोग जुटे हुए हैं, सेवायत जो है वो लगातार तैयारियां कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि आप दर्शन कर लें ये शिला पट्टिका जहाँ पर पूजन अर्चन हो रहा है, यहाँ पर दिया लगाया जा रहा है और ऊपर की तरफ जो दान करने वाली चीजें हैं वो ऊपर जो विशाल प्रतिमा हमने सुबह आपको दिखाई थी वहां पर दान किया जा रहा है। इस मंदिर की एक खास बात और है वो मैं जरूर आपको दिखाना चाहूंगी नवजोत, यहाँ पर शनिदेव की ही प्रतिमा है लेकिन शनिदेव अलग अलग तरीके से यहाँ पर विराजमान है। सबसे ज्यादा वाहन वाला देवता शनि को ही माना जाता है। आप देखेंगी ये हर एक जो प्रतिमा है शनिदेव की है लेकिन कहीं पर शनि शेर पे विराजमान है तो कहीं पर गज पर यानी कि हाथी पर विराजमान है। कहा यह जाता है कि शनिदेव को सीधे तौर पर आपको नहीं देखना चाहिए, सीधे उनकी दृष्टि अगर आप पर पड़ती है तो उसे कुदृष्टि माना जाता है और ऐसे में आपके जीवन में संकट आ सकता है। हालांकि कर्म फलदाता है, जैसे आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा, ये शनि के लिए कहा जाता है और इसीलिए जैसा कि अभी बता रहे थे आचार्य जी जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको शनि से कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, मन में सद्भाव रखते हैं तो शनि हमेशा आपके लिए अच्छे होंगे। शनि शत्रु नहीं है, मित्र है। ये संदेश हमेशा से अब देने की कोशिश की गई है और इसीलिए शनि की महिमा इतनी ज्यादा अब लोगों तक पहुंच रही है। मंदिर में तो बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, जैसे जैसे शाम ढलेगी वैसे वैसे मंदिर में भीड़ होगी। यहां पर मेरी बातचीत हुई थी तो उनका कहना था कि भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि पांव रखने तक की जगह नहीं होती, लेकिन अभी मंदिर के साथ सजावट चल रही है, जो महाभव्य आरती होनी है उसको लेकर तैयारी यहाँ पर हो रही है। खास तौर पर आप देखेंगे पूरे जो मंदिर प्रांगण को मोगरा के फूल और गेंदे के फूल से सजाया गया है, अशोक के पत्ते से यहाँ पर बेल बनाई गई है। दूसरी तरफ का हिस्सा भी मैं आपको दिखाऊंगी, वहां पर अभी थोड़ा साफ सफाई का काम चल रहा है। नवजोत फिर से आपसे जब जुड़ेंगे बात करेंगे तो वो मैं दिखाऊंगी। साफ सफाई यहाँ पर की जा रही है और शाम को यहाँ पर क्योंकि अमूमन इस वक्त कई सारे जो लोग हुए हैं वो ऑफिस में होते हैं और वक्त नहीं मिल पाता है तो शाम के वक्त वो शनिदेव के मंदिर पहुंचते हैं, पूजन अर्चन करते हैं और आज का दिन तो खास है ही। शिल्पी आप इस वक्त कौन से मंदिर में मौजूद है लखनऊ में, और जैसा कि हम आज देख रहे हैं कि वट सावित्री व्रत भी यहां पर किया जा रहा है, सुबह तक जब तक वट वृक्ष की पूजा नहीं होती महिलाएं उपवास रखती हैं, तो वहां पर किस तरीके से वट सावित्री व्रत का जो पूजन है वो किया गया और शनि जयंती को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं? देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं लखनऊ में गोमती नदी के किनारे करौंदा घाट पर शनि मंदिर में हूं और ये बहुत ही एक प्राचीन स्थल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव महाराज यहां बहुत पहले से विराजमान थे। हालांकि जो ये नया मंदिर है जिसका स्वरूप अभी आप देख रहे हैं जिसमें शनिदेव की प्रतिमा है वो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, 50 साल से कुछ एक ज्यादा समय से इस मंदिर का निर्माण हुआ है, लेकिन शनिदेव यहां पीपल के एक वृक्ष के नीचे विराजमान थे जहां लोग अपनी आस्था से पूजा अर्चना करते थे। सुबह ऑफिस जाते वक्त बहुत सारे लोगों ने यहां पर पूजा अर्चना की, हमने देखा कि आए वो, और अब क्योंकि दोपहर का वक्त है तो थोड़ा कम यहां पर हमें लोग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस मंदिर की आस्था इतनी ज्यादा इसको लेकर के है कि शनिदेव महाराज यहां बहुत ही जागृत रूप में है और जो भी अपने लिए कुछ मांगता है उसको वो देते हैं। हालांकि हम लोग लगातार ये सुनते आ रहे हैं कि शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्माधिकारी हैं, दंडाधिकारी हैं, तो उस वजह से भी लोग आते हैं जिससे उन पर कोई बुरा प्रभाव न रहे। पंडित जी यहाँ के पंडित सौरभ हमारे साथ हैं। पंडित सौरभ जी यहाँ पर जो शनिदेव की प्रतिमा है जो लोग आ रहे हैं क्या कुछ विशेष यहाँ होता है, विशेष चढ़ाया जाता है आज विशेषकर शनि जयंती के अवसर? देखिए आज शनिदेव भगवान का जन्मोत्सव है, शनि जयंती मनाई जाती है। यह ज्येष्ठ महीने में और अमावस के दिन यह पर्व पड़ता है और यह पर्व बहुत ही शुभ माना जाता है। शनि देव के दर्शन करने से और इनको तेल, तिल, उरद, काला कपड़ा, गुड़ ये सब चढ़ाने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। हम देख रहे थे कि लोग आ रहे थे काला कपड़ा, काला तिल, गुड़ लेकर के यहाँ पर चढ़ाने के लिए और तैलाभिषेक भी किया जाता है, लेकिन शिव के जिस तरह महादेव के को जो लोग मानते हैं उन पर विशेष कृपा शनिदेव की रहती है, तो यहाँ तो महादेव का मंदिर भी है बगल में हम देख रहे हैं। देखिए शनिदेव जो हैं वो महादेव के ही एक तरह से रूप हैं और शनि महाराज की पूजा की जाती है, महादेव की पूजा की जाती है, बजरंगबली की पूजा की जाती है, इस तरह से
शनि महाराज की पूजा के बाद हनुमान जी की पूजा करना चाहिए और शनिदेव के बाद भोलेनाथ की भी पूजा करनी चाहिए, इसी तरह से पूजा की जाती है। यहाँ पास में हनुमान शिल्पी है हाँ, लौटती हूँ आपके पास। शिल्पी हमारे साथ जुड़ी हुई है, गुंजन हमारे साथ है। जेपी जी, शनि का जब नाम आता है या फिर शनि का जिक्र जब भी होता है तो मन में एक भय एक डर रहता है। हालांकि बार बार तमाम एस्ट्रोलॉजर्स इस बात को समझाते हैं कि शनि न्याय के देवता हैं, आपके जो कर्म होंगे उन्हीं का फल आपको मिलेगा। शनि ये सुनिश्चित करते हैं कि जो भी आपने कर्म किया है चाहे वो अच्छा है या बुरा है उसका फल आप तक पहुंचे। लेकिन शनि के नाम से इतना भय होता है लोगों के जहन में मन में कि हर कोई ना चाहते या फिर कहें कि डर से ही जाता है नतमस्तक होता है। तो इस चीज को क्लियर कीजिए, आज शनि जयंती है, आज न्याय के देवता की जयंती है, तो ऐसे में साढ़े साथी धैया शनि अगर कहीं पीड़ित है या कहीं अगर आपसे कोई गलत काम हो गया है तो ऐसे में आज के दिन का कितना महत्व बढ़ जाता है कि हम अपने उस बुरे कर्म को ठीक कर सके या उसकी माफी मांग सके। जी देखिए, सर्वप्रथम आपने जो प्रश्न पूछा वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये कह देने भर से बात नहीं खत्म हो जाएगी कि शनि न्याय के देवता है। हमें ये मानना होगा कि हमारे जीवन में हमारा आचरण विचार हमारा मन कर्म वचन से जो हम कर रहे हैं वो कहां तक ठीक है, क्योंकि हम अपने आप को जो जस्टिफिकेशन देते हैं उससे बेहतर हम किसी और को नहीं दे सकते। और जब दूसरे हमारा आकलन कर रहे हैं वह वही देख पा रहे हैं जो हम उन्हें दिखाना चाह रहे हैं। अब बात आती है शनि से भयभीत होने की, तो शनि से भयभीत इसलिए होते हैं कि यहां देवी देवता भी नहीं बचे इनसे, इनके प्रकोप से महादेव आदिदेव जिसको हम कहते हैं शिव उन पर भी ढाई पल के लिए आए थे और गणपति का शीश लेके चले गए थे। तो यहां पर हमें यह समझ आ जाना चाहिए कि कहीं पर भी शनिदेव की अगर कुदृष्टि आती है चाहे वो ढाई पल के लिए क्यों ना आए तो वो दुष्प्रभाव देगी। पर अगर आपके कर्म ठीक हैं, आप कहीं कभी गलती नहीं कर रहे हैं, अब खास तौर पर ध्यान दीजिएगा आज के दिन की विशेषता महत्ता को अगर आप समझें तो आज अगर आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, किसी तरह का दुष्कर्म नहीं करते हैं, मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। पर खाली आज के दिन करने भर से नहीं होगा, क्योंकि शनि पूरा लेखा जोखा लेते हैं। आज तो उनका जन्मदिन है तो आप मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सबको भूरी भूरे यहां आशीर्वाद है उनका और साथ में उनकी शुभकामनाएं हैं। पर पूरे साल भर हमें ध्यान देना होगा, किसी दिवस को एक दिन मनाने से नहीं होगा, प्रतिदिन हमें उस चीज का ध्यान रखना है कि शनि की दृष्टि हम पर है। मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि इस परमात्मा ने ये नवग्रह अपने न्यायपालिका के केंद्र बनाए हैं, यहां पर हर तरीके से वो हमें देख रहे हैं। किसी के पास कोई विभाग है, किसी के पास कोई विभाग है, तो शनिदेव के पास न्याय का विभाग है। अब न्याय विभाग दंडाधिकारी भी है, यहां पुलिस के साथ में हम कहते हैं पुलिस अरेस्ट भी करती है और दंड भी देती है, उसी तरह से शनिदेव यहां पर आपको दंड भी देते हैं और आपको पकड़ते भी हैं। तो खास तौर पे खाली एक दिन शनि जयंती मनाने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रतिदिन इस चीज के लिए सचेत रहना होगी मेरे कर्मों में कहीं गलती तो नहीं है। नहीं, लेकिन आज के दिन हम प्रायश्चित तो कर सकते हैं। खाली एक दिन प्रायश्चित करने से क्या होगा, ले लें कि आज के बाद हम बुरे कर्म नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे। जी वानिया जी, आपसे थोड़ा यहाँ पर समझ रहे, क्योंकि कर्मों की बात हो रही है, आप कर्म तो कर लिए फल शनिदेव दे भी देंगे, लेकिन कहा जाता है कि दान पुण्य करने से भी यहाँ पर आपके जो बुरे कर्म हैं उनका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है, खत्म तो नहीं होता लेकिन कम हो जाता है। तो आज के खास दिन में किस प्रकार का दान यहाँ पर करना चाहिए उन लोगों को, खासतौर से जो कि शनि की किसी भी दृष्टि से या फिर से या साढ़े साथी से परेशान है। शनिदेव अगर काल हैं तो शिव महाकाल हैं। तो आज के दिन भगवान शिव की आराधना आपको जरूर करनी चाहिए, आप कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। रही बात दान की, आप काले उड़द दान कर सकते हैं, किसी भी गरीब को भोजन करा सकते हैं, कुछ भी फुटवियर दान कर सकते हैं, चप्पल जूता जो भी आप करना चाहते हैं। इसके अलावा आप सरसों के तेल का जो है दान कर सकते हैं, लोहे का दान कर सकते हैं, काले गुलाब जामुन का दान कर सकते हैं, काले अंगूर का दान कर सकते हैं, आप बैंगन का दान कर सकते हैं, आप अन्न दान कर सकते हैं, आप सतनाजा दान कर सकते हैं। इस दिन जो है आप जल्दी उठिए, सूर्यदेव को जल जो है आप जरूर चढ़ाएं और पीपल के देव
पीपल के पेड़ के सामने बैठकर जो है आप शनि देव की पूजा जरूर करें। 7 बार आपको आज शनि चालीसा करनी है। इसके अलावा अगर आज आप सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं तो वो भी आप जरूर कीजिए। शनि देव हमारी कुंडली में हमारे चाचा का भी कारक होते हैं, जो हमारे अंकल होते हैं, तो आज अपने चाचा की अगर आप ब्लेसिंग्स लेते हैं वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कृष्ण भक्ति कीजिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और जैसा कि अभी मेरे रिस्पेक्टिव फेलो मेंबर ने भी बताया कि कर्मास जो होते हैं, अगर हमारे कर्मास अच्छे हैं तो कर्मास को अगर हम जितना अपनी लाइफ में हमेशा अच्छा रखेंगे तो शनिदेव से हमें डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग भी हनुमान जी की भक्ति करते हैं उनको शनिदेव कभी भी लाइफ में परेशान नहीं करते हैं, इसलिए आप हनुमान जी की भक्ति करना बिल्कुल भी ना छोड़िए। सुंदर कांड का पाठ जो है अगर आप कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। जो भी हमने लाइफ में गलत करा है उसके लिए आज आप शनिदेव से माफी मांगिए, फॉरगिवनेस मांगिए, और कोशिश कीजिए, जैसा कि अभी नवजोत जी भी कह रहे थे कि आगे हम लाइफ में, मतलब हम एक रेजोल्यूशन तो ले सकते हैं ना कि आगे हम वो चीजें लाइफ में रिपीट नहीं करेंगे। अगर हम कुछ भी हमने अगर पास्ट में इंटेंशनली या अनइंटेंशनली अगर हमने कुछ गलत किया भी है तो उसके लिए आप फॉरगिवनेस मांगिए, और कोशिश कीजिए कि फ्यूचर में कुछ अपने ऐसे रेजोल्यूशन बनाइए कि आप गलत कर्म करें ही ना। एडिक्शन ये जितना हो सकता है लाइफ में एडिक्शन से आप दूर रहिए, और किसी को भी हर्ट ना कीजिए, कोशिश करिए दूसरों की हेल्प कीजिए, गरीबों की सेवा। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अगर शनि देव की कृपा आप पाना चाहते हैं? वानिया जी ने आपको बता दिया है दान पुण्य के लिहाज से आपको क्या कुछ दान करना चाहिए, किसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए कि शनिदेव यहाँ पर थोड़े प्रसन्न हो जाए। फिलहाल शिल्पी के पास एक बार फिर से लौटना चाहूंगी। शिल्पी, वहां पर मौजूद पंडित जी से आपने बात की, किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर इस मंदिर में इस जयंती को लेकर है ये उन्होंने समझाया, लेकिन सुबह से आप वहां पर मौजूद हैं, सुबह में क्या आपने देखा वहां पर लोग पहुंचे थे, और शाम के वक्त क्या अंदाजा लगाया जा रहा है कि वहां पर कितने लोग पहुंच सकते हैं शनि जयंती के मौके पर आज शनिदेव की पूजा अर्चना के लिए? देखिए, सुबह के वक्त यहाँ पर लोग पहुंचे थे क्योंकि अमूमन लोग ऑफिस जाने से पहले या अपने काम पर जाने से पहले शनिदेव के दर्शन करते हैं, और शनिवार को कुछ लोगों का नियम होता है, लेकिन आज शनि जयंती है इस मौके पर भी लोग यहाँ पर पहुंचे थे और पूजा और दर्शन करके यहाँ से गए हैं। शाम को यहाँ विशेष आरती होगी और उस समय भी यहाँ लोग मौजूद रहेंगे, लेकिन अभी दोपहर का वक्त है तो अभी कुछ कम लोग यहाँ दिखाई पड़े। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि अंदर लोग हैं और वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, तैलाभिषेक कर रहे हैं, और यहाँ से ठीक ऊपर जहाँ की मैंने बात की कि पहले वहाँ पीपल का वृक्ष था जिसके नीचे शनिदेव विराजमान थे, वहाँ पर लोग सरसों के तेल का दिया जलाते हैं, वो भी लोग दिया जला रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शनिदेव को लेकर के जो लोगों के मन में एक भय है वो सही नहीं है, क्योंकि शनिदेव मित्र हैं और वो उसी तरह से आपके प्रारब्ध का यानी कर्मों का फल देते हैं जैसा लिखा होता है और जैसा आपने कर्म, जैसा सब लोग कह रहे हैं कि जैसा आपने कर्म किया होता है। इसके अलावा खास बात यह है कि यहाँ शिव मंदिर भी है और हम देख रहे हैं कि लोग महादेव के भी दर्शन कर रहे हैं, और उसके बाद हनुमान जी का पास में हनुमंत धाम बहुत भव्य मंदिर है, वहां भी लोग दर्शन करके अपनी पूरी, हम कह सकते हैं, पूजा को पूर्ण कर रहे हैं कि महादेव के दर्शन, शनिदेव के दर्शन और हनुमान जी महाराज के दर्शन करके यहां से जा रहे हैं। वैसे तो देखिए लोग लोगों के पास हम कहते हैं कि शनि चालीसा का पाठ भी लोग करते हैं और जो दशरथ कृत शनि स्त्रोत है उसका भी पाठ करते हैं, लेकिन वो कुछ ही लोग करते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन लोग जो भी यहाँ आ रहे हैं वो काला कपड़ा, काला तिल और तेल सरसों का लेकर के आ रहे हैं और यहाँ पर वो पूजा अर्चना करके जा रहे हैं। तो विशेष दिन है और कृपा पाने का विशेष दिन, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा महत्व इस बात का है कि आगे हम अपने कर्मों को सही रखें, क्योंकि शनिदेव की नजर हम सब पर है इस बात के लिए कि हम लोग जो करेंगे उसका हमको फल मिलेगा, शनिदेव न्याय करेंगे। तो इसके लिए कर्म अगर ठीक हो तो मुझे लगता है शनिदेव से फिर भयभीत होने की, कहा भी जाता है कि कर्म आपके हमेशा अच्छे होने चाहिए क्योंकि कर्मों का फल हमेशा मिलता है। कर्म अच्छे होंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे होंगे तो उसका फल भी आपको
भुगतना ही पड़ेगा। एक बार चलते हैं, गुंजन हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं। गुंजन, हालांकि पूजा अर्चना शाम में होगी, सुबह के वक्त लोग आए थे, अभी हालांकि दोपहर का वक्त है, सन ऑन टॉप है, आप लोग के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है वहां पर बाहर खड़े होकर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, शिल्पी और आप भी, लेकिन ऐसे में तैयारियां आप हमें वहां की दिखा सकती है, किस तरीके से पूरे मंदिर प्रांगण को खूबसूरती से सजाया गया, एक बार जरा दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल नवजोत, मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर की तरफ, आप देखेंगे जहाँ हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। मैं चाहूंगी अपने कैमरा पर्सन से वो थोड़ा आगे की तरफ आए, और संभव हो तो यहाँ से वो जो विशाल प्रतिमा, दुनिया में सबसे बड़ी शनिदेव की प्रतिमा है, वो यहाँ पर दिल्ली में मौजूद है। 100 करोड़ मंत्रों के साथ इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। वहां से जब नीचे की तरफ आते हैं तो ये मंदिर प्रांगण, सामने शिवालय है, नंदी महाराज है। मैं चाहूंगी कि अगर कैमरा वहां पर अंदर जाने दें तो शनिदेव के साथ साथ वहां 12 ज्योतिर्लिंग भी बने हुए हैं, वो भी कोशिश करूंगी नवजोत आपको दिखाने की। यहां पर भी एक दो लोग जो आ रहे हैं शनिदेव के पूजन के लिए, वो यहां पर भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन कर रहे हैं। सामने शनिदेव हैं और इस तरफ 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं। तो ये आम तौर पर तो शनिदेव का मंदिर है, लेकिन भगवान शिव की आराधना करने वाले भक्त भी यहाँ पर पहुंचते हैं। गणपति है, इसके साथ साथ आप देखेंगे भोलेनाथ के अलग अलग स्वरूप आपको इस पूरे मंदिर प्रांगण में नजर आएंगे। अब यहां से जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि कितने भव्य तरीके से मोगरा के फूलों से, गेंदे के फूल से, और ये जो अशोक के पत्ते होते हैं जिन्हें पूजा में काफी माना जाता है, उससे पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया गया है। लाल रंग के पर्दे हर तरफ नजर आएंगे और काले रंग के झंडे, जो कि शनिदेव का रंग होता है, वो यहां पर नजर आएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वही शिला पट्टिका है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। दोनों तरफ शनिदेव के मंदिर और हैं जहां पर लोग काले धागे बांधते हैं अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए। बीचों बीच यहां पर पीपल का पेड़ है जहां पर महिलाएं आ रही हैं, दीपक जला रही हैं, क्योंकि शनि जयंती पर माना जाता है, शनि का सीधा संबंध पीपल से भी है। अगर आप शनि मंदिर नहीं जा पा रहे, तैयारियां पूरी हैं और इंतजार है भक्तों का, जो कि कहा जा रहा है कि शाम के वक्त यहां पर शनिदेव के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। आज का दिन बहुत अहम, बहुत खास है। अगर आप शनि की कृपा पाना चाहते हैं तो कैसे पा सकते हैं कृपा, आज हम आपको बताएंगे। तमाम ज्योतिष हमारे साथ मौजूद रहेंगे, एक बड़ा पैनल ज्योतिषियों का हमारे साथ रहेगा, और साथ ही साथ हम उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आज है वट सावित्री व्रत, आज है शनि जयंती, किस तरीके से हम शनि की कृपा पा सकते हैं, और आज एक बड़ा संयोग किस तरीके से बन रहा है, कितना शुभ और फलदायी है ये। अगर 7:30 आप पर चल रही है शनि की ढैया, अगर आप पर चल रही है तो आपको क्या करना है, ये तमाम बातें आज हम जानेंगे हमारे खास मेहमानों से। तो शनि जयंती को लेकर खास तौर से तैयारियां भी अलग अलग शनि मंदिरों में की जा रही हैं, उसकी तस्वीरें भी हम आपको हमारे सहयोगियों के जरिए दिखा रहे हैं। और इसके अलावा शनि जयंती के मौके पर दिल्ली की अगर बात की जाए तो शनि धाम मंदिर के संस्थापक दाती महाराज का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं। सूर्य पुत्र छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार के प्रतीक, नारायण के अनन्य भक्त और महादेव के शिष्य शनि, परंपरा देखिए ना, शनिदेव कर्म फल दाता है, और कैसी विडंबना है, जो चराचर जगत को भय से मुक्त करते हैं उसी से भयभीत। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम। ओम शाम शनिश्चराय नमः। शनि कर्म फल दाता है, मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह काम शनिदेव का है, न अच्छा न बुरा। परम न्यायाधीश न्याय के पद पर विराजमान होकर मनुष्य के किए गए कर्मों के जो भंडार है उसमें से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह काम शनिदेव का है। अब भाई सीधी सीधी बात है, अकाउंट आपका है, अब यह आपको देखना पड़ेगा कर्मों का खजाना आपका कैसा है। और यह एक भरम है, भय है कि शनि प्रतिकूल, शनि कभी प्रतिकूल नहीं, हमारे कर्म प्रतिकूल होते हैं। तो अपने कर्मों का अकाउंट, क्योंकि हम सभी लोग मैनेज करते हैं और हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि अपने मन को हम ही समझ सकते हैं, अपने मन को हम ही जान सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को हम ही एक्सप्रेस करते हैं और वो हमारे ही अंदर है, और ये हम ही जानते हैं कि आखिर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव होंगी तो आपको फल मिलेगा, नेगेटिव होंगी तो हिसाब करने के लिए शनिदेव बैठे हुए हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे दोनों रिपोर्टर्स इस वक्त शिल्पी और गुंजन दोनों हमारे साथ हैं। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले जेपी जी, आज शुक्रवार का दिन है, वैसे तो देखिए हर शनिवार को हम दान पुण्य करते हैं, तमाम लोग खासतौर पर
जो रिकमेंड किया जाता है कि अगर साढ़े साती या फिर आप पर ढैया चल रही है तो उस दिन आप विशेष स्नान करें, और वो भी समय रहता है शाम का। लेकिन आज शुक्रवार है, शनि जयंती है, तो आज के दिन भी क्या उसी तरह का दान, उसी तरह की पूजा होगी और वक्त भी क्या शाम ही का रहेगा, या फिर आज का दिन क्योंकि पूरा दिन ही जयंती चलनी है और किसी भी पहर हम जा सकते हैं? देखिए, सर्वप्रथम आपके प्रश्नों में ही उत्तर छुपे हुए हैं। अब शनि जयंती आज है तो आज ही मनाई जाएगी, कि पंचांग के आधार पर अमावस्या आज है, अमावस्या के दिन ही शनि जयंती होती है। दूसरी बात, आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन अमावस्या पड़ रही है, शनि जयंती पड़ रही है, और साथ में ये शुभ संयोग जिनकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, गज केसरी योग, शक्ष योग, ये सारे योग आज ही पड़ रहे हैं, तो हमें इसका पूर्ण लाभ लेना चाहिए। क्योंकि हमारी छोटी सी भी कोई कृत्य, जो हम जैसे शनिदेव को तेल चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, अपनी प्रार्थना करनी है, मंत्र जप करना है, वो हमें 100 गुना फल देता है। इन योगों का जो लाभ हमें मिलता है वो यही मिलता है कि उस समय आपकी जो मनोकामना है सर्वपूर्ण फलीभूत होती है। सर्वार्थ सिद्धि योग भी यहां पर जुड़ने वाला है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह देखिएगा कि यहां शाम के समय हम शनि की अर्चना क्यों कहते हैं, क्योंकि अंधकार हो जाता है, सूर्य के सामने शनि की उपासना नहीं करी जाती। कहा जाता है कि सूर्य और शनि की शत्रुता है, वह अभिप्रीत रहते हैं, तो इसीलिए शाम के समय पूजा अर्चना करी जाती है। तो आप शाम के समय पूजा अर्चना करें तो बहुत लाभकारी होगी। जी बिल्कुल, शिल्पी भी हमारे साथ बनी हुई है लखनऊ से, और शिल्पी एक बार फिर से आपसे यहाँ पर थोड़ी तस्वीरें दिखा, आप हमारे दर्शकों को दिखा दें कि किस तरीके से वहां पर शनि जयंती को लेकर तैयारियां की गई हैं, क्योंकि शाम को लोगों का तांता वहां पर पहुंचने वाला है, श्रद्धालु पहुंचेंगे शनि के दर्शन के लिए, और अपने जो कर्म उन्होंने किए हैं उसका फल उन्हें किस प्रकार मिलता है वो आज यहाँ पर पता चल जाएगा। थोड़ा तस्वीरें आप दिखा दें कि किस तरीके से तैयारी उस मंदिर में की गई है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। ये करौंदा घाट लखनऊ में गोमती किनारे है, वहां पर शनिदेव विराजमान है, और आप देख रहे हैं कि जो उनके सामने जो दिया जल रहा है उसमें सरसों का तेल लोग डाल रहे हैं यहाँ आकर के, क्योंकि तैलाभिषेक भी किया जाता है। वैसे देखने में ये मंदिर, इसका जो जो मुख्य स्थान है वो छोटा है, लेकिन इसके आसपास एक बहुत भव्य एक हम कह सकते हैं कि घाट बना हुआ है, क्योंकि पीपल का वो जहां कहा जाता है कि शनि महाराज बहुत पहले से विराजमान थे और लोग आकर के उनकी पूजा अर्चना तब भी करते थे जब यह मंदिर नहीं बना था, तो वहां आकर भी लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। और जैसा कि शाम का वक्त होता है, क्योंकि उसी समय जो सरसों के तेल का दिया है वो ज्यादातर जलाया जाता है, तो लोग उस समय आकर के विशेष पूजा अर्चना करेंगे, शाम को यहाँ आरती भी होगी। लेकिन इसके अलावा जो बातें शनिदेव के संबंध में कही जाती हैं, जो दान की वस्तुओं के बारे में कहा जाता है, उनको भी लोग यहाँ पर रहे हैं और दान कर रहे हैं। और इसके बाहर की अगर हम बात करें, मंदिर के बाहर, क्योंकि घाट के दूसरी तरफ वहां वो लोग भी बैठे हैं जिनको लोग दान कर रहे हैं। अगर काली उड़द की बात करें वो हम, या काला तिल, या बिल्कुल हम लौटेंगे आपके पास वानिया आरा जी, क्योंकि आप पहले बता चुके हैं कि किस तरह का दान होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा शनि जयंती के दिन अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कोई एक उपाय अगर मैं कहूं कि आप हमारे दर्शकों को बताइए। आज आप सातमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, अपराजिता के, शमी के और आपके फूल जो है आज आप शनिदेव को चढ़ा सकते हैं। अपने ओवरऑल लाइफस्टाइल में जल्दी सोएं, जल्दी उठें, जब आप अपने आचरण को अच्छा रखेंगे तो शनिदेव खुद आप पर जीवन में कृपा करेंगे और आपको लाइफ में हमेशा सक्सेस प्रदान करेंगे। बिल्कुल, तो क्या करना है और ये पंडित जी यहाँ पर ज्योतिष जी ने बता दिया है और बानिया जी ने भी आपको बता दिया। इसके अलावा तस्वीरें भी दिल्ली से एक बार फिर से देख लेते हैं। गुंजन आप दिखा दें यहाँ पर जल्दी से तस्वीरें, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है। एक बार फिर से किस तरीके का साज सज्जा वहां पर की गई है, शाम को लेकर क्या तैयारियां वहां पर है? बिल्कुल रेखा, मंदिर के दूसरे हिस्से में इस वक्त पहुंच चुकी हूं और यहां की तस्वीरें देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहीं पर भगवान शनि को तेल चढ़ाया जाता है। सुबह से ही यहां पर तेल चढ़ाने की प्रक्रिया जारी है। जितने भी भक्त यहां पर आ रहे हैं, आप एक तरफ देखेंगे शनि गरुण पर विराजमान है और दूसरी तरफ बैल पर विराजमान है। यहां पर तेल चढ़ाया जाता है, साथ में हनुमान जी हैं, इधर काली माता का मंदिर है, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो नव ग्रह आपको नजर आएंगे। 9 ग्रहों की पूजा की जाती है और सबसे आगे यहां पर शनिदेव नजर आएंगे, केतु है, राहु है। यहां पर लोग 9 परिक्रमा कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तेल चढ़ने के बाद मंदिर की साफ सफाई यहां पर लगातार जारी है, क्योंकि शाम में भव्य कार्यक्रम यहां पर होना है। उससे पहले तेल चढ़ने का कार्यक्रम सुबह हो चुका है
और उसके बाद अब मंदिर में पूजा पाठ से पहले यहाँ पर साफ सफाई चल रही है और उसके बाद शाम के लिए तैयारियां की शाम की तैयारी। और ये एक आखिरी सवाल जेपी जी, क्योंकि यहाँ पर गुंजन ने भी हमें दिखाया है, जिस जगह पर गुंजन इस वक्त है शनि मंदिर में, वहां पर राहु केतु भी, और इसी से जुड़ा एक छोटा सा सवाल जिसका वक्त की कमी है, जल्दी जवाब दीजिएगा। शनि की आराधना करने से क्या राहु केतु के कुप्रभाव भी कम होते हैं और कैसे, और उसके लिए क्या करना होगा? जी देखिए, राहु शनिवत काम करते हैं। ज्योतिष का सिद्धांत है कि राहु, अगर शनि पीड़ित है तो राहु पीड़ित हो जाएंगे। अब शनि को अगर आप प्रसन्न कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जान लीजिए राहु प्रसन्न हो जाएंगे, और राहु प्रसन्न है तो केतु अपने आप ही फलीभूत हो जाएंगे, वह सुख में आपके लिए वरदान बन जाएंगे। पर साथ ध्यान रखिएगा कि कर्म सिद्धांत यहां सबसे पहले लागू है कि शनि कहते हैं बुजुर्गों का मान कीजिए, बड़ों की सेवा करिए। एक छोटा सा उपाय और देता चलूं, यहां पर सबने सब बातें कहीं, पर एक बात यहां सब भूल रहे हैं कि हम जितना बुजुर्गों की सेवा करेंगे शनि देव सबसे ज्यादा प्रसन्न उससे होते हैं। आज अगर वृद्धाश्रम में जाकर आप भोजन कराएं, बुजुर्गों की सेवा करें, उससे उत्तम कुछ बिल्कुल नहीं। अनादर यहाँ पर नहीं करना है किसी का भी, आपके कर्म ही आपके कर्मदाता को प्रसन्न करते हैं, यानी कि शनिदेव को प्रसन्न करते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल उसका शनिदेव आपको देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जीपी जी आपका, माने जी आपका भी शुक्रिया, और शिल्पी और गुंजन आप हमारे साथ जुड़ी, तस्वीरें आपने दिखाई, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे एक